इसमें बाल फटता है, इसमें हम लोग खाते हैं, बाल फटता है तो हर सीजन फटता है, मतलब जैसे आपको भुट्टा बोलते जैसे हैं। भुट्टा बोलता है इसको बाल को। ये देखिए ये नीम का पेड़ है, इसको नीम करी बोला जाता है, हम लोग खाते हैं इसको पकता है तो। ये देखिए ये झिंगनी का पेड़ है, ये इसको हम भुजिया बना के खाते हैं हम लोग कढ़ाई में। सब्जियां बहुत चुके हैं यहाँ पर अभी। और ये देखिए मकई का भी खेती हुआ है यहाँ पर, वो भी दिखाते हैं आपको थोड़ी देर में। वो सामने जो है वो कटहल के पेड़ है, वो उधर तून है जो जो नीम की तरह पत्ते दिख रहे हैं, ये सारे इधर मतलब कटहल के ही हैं। वो कुछ शीशो भी उसमें है उधर तून के बीचों बीच, फिर इधर वो दूर दूर तक दिखाई दे रहा है वो तार है। फिर यहाँ पे ये आपका एक सेमर का पेड़ है, वो जो अलग तरह का दिख रहा है। फिर वहाँ पे तून है, और फिर यहाँ पे आम का पेड़ है, ये मतलब मीठा वाला आम है इधर। फिर वो भी उधर था, वो देख सकते हैं बैगन फले हुए हैं, वो उधर बरबट्टी है जिसको बोरो भी बोलते हैं। ये लो दो तरह का बरबट्टी होता है, लेकिन ये बताना ज़रूरी नहीं है, रहने दीजिए। मक्का बोया हुआ था, लेकिन घोड़परास एक होता है नीलगाय जिसको बोलते हैं, वो पूरा खा गया, इसलिए उसे काट कर मतलब गाय के लिए ले जाएगा। और केवल खीरा, ये जो छोटा छोटा पेड़ है खीरा का, इसलिए केवल खीरा छोड़ दिया गया है। पास एक नहीं होता है, बहुत सारा होता है, नीलगाय भी एक नहीं बहुत सारा होता है उधर है। ये मेरा ही खेत है, मतलब मेरे ही घर के मेरे चाचा बोए हुए, इसे अड़ुई बोलते हैं। ये मतलब आलू की तरह होता है, लेकिन नीचे फलता है। और जो है मतलब इसे गड्ढा, इसे मतलब इसकी फसल बोने से, बुआई करने से पहले इसे गड्ढा मतलब खोदा जाता है। और इसकी जो पत्तियाँ देख सकते हैं, इनका भी मतलब तेल में इसे मतलब छान कर और बेसन लगा कर बनता है, इसका भी खाना मतलब। और उधर मतलब ये पूरा खेत मतलब इसका मतलब कुराने के समय भी इसे जेसीबी या फिर मतलब बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगता है मतलब खुदाने। ये देख सकते हैं इसका फल, आप इसका लत्तर, लत्तर इसे बोलते हैं। इसे तो घिवड़ा की तरह होता है, लेकिन ये है ये झिगुनी भी उसी तरह का है। तीन तार, ये इसके बगल में भी मेरा खेत है, उसमें घिवड़ा है। ये तीन तार है जो यही भूत के लिए फेमस है, मतलब 8-9 बजे के बाद रात में, या 12 बजे या 1 बजे के बीच में भी दोपहर में यहाँ आपको आने से मतलब डरते हैं, घबराते हैं एक तरह से। देखिए तो देखिए सीएम कुमार घिवड़ा तोड़ रहे हैं कैसे, ये जीवाया हुआ है, ये खिचा है लेकिन थोड़ा जीवाया है। मतलब ये बोरिंग आप देख रहे हैं एक छोटा सा है, इसी से मतलब पानी का काम होता है खेत में, सिंचाई का काम इसी बोरिंग से होता है। चुगनिया के घिवड़ा है, खीरा। साथ में चल रहे हैं और ये सब कुछ बताते जा रहा है आपको, काफ़ी बहुत है। हाँ ये देखिए बाल का, यहीं से कुछ दिनों के बाद तोड़ा जाएगा और हम लोग खाएंगे। वहाँ अभी काफ़ी पानी भी भर गया है बारिश में, लेकिन कुछ समय पहले 2-3 महीने पहले इसमें पानी नहीं था। इसका काम पहले होता था मतलब कि यहाँ पे पानी, अब तो नया नया मोटर और बोरियाँ गए, लेकिन इसका काम होता था सिंचाई के लिए, बैल को घुमाकर मतलब इसमें से पानी निकाला जाता। ये जो मतलब बड़ा जो आप पौधा देख रहे हैं ये मसूरिया का है, और ये छोटा पौधा है ये बाल का है, मतलब मकई का है। इसमें फल, हमारा जो फल होता है वो नहीं धरता है, ये केवल गाय के चारा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चारा के लिए वैसे ये भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसे जब इसमें बाल हम निकाल लेते हैं तब इसके जो कुट्टी होता है, जिसे कुट्टी बोलते हैं, उसे काट काट के मशीन से इसका इस्तेमाल करते हैं। इसे अभी हरा ही हरा काट लेंगे, अभी आपको काटते हुए दिखाएंगे हम कुछ समय बाद। कटाई शुरू हो चुका है, ठीक से तोड़िए, मतलब हल्का मतलब पत्ते उपचि बता दियो। से तोड़ने का आम तोड़े जाता रे, खोज खोज के बतुआ तोड़े लाओ। चुका है यहाँ पर, हेलो भाई लोगो, मैं पैसे चार गया से गिर गया, आईडी कौन में कितना देर लगा लो। ये लो दतमान कहतानी की जन बालवा एमे से निकलल, ई वाला कहतानी हमने नूट कर ले, चढ़ता हुआ अटकल है, देख वहाँ अटकल है जो तब चुपचाप चढ़ते ऊपर, कहाँ अटकल है वहाँ। लागल बड़ी हुई है जोर से, इतना जोर से मार दे गया ये पगला। लेवन हो गया तू, जतवन तैयार।
रख रहा हूँ, ले ले मुँह से। चुमुन हाँ है ना, इसमें बाल फटता है, इसमें हम लोग खाते हैं, बाल फटता है तो हर सीजन फटता है, मतलब जैसे भुट्टा बोलता है इसको बाल को। ये देखिए ये नीम का पेड़ है, इसको नीम करी बोला जाता है, हम लोग खाते हैं इसको पकता है तो। ये देखिए ये झिगनी का पेड़ है, ये लोग इसको हम भुजिया बना के खाते हैं हम लोग कढ़ाई में, इल्लू पे कैसे कैसे बहुत महंगा मिलता है, लेकिन इसका पास हवल दिक्कत होकर यहाँ से निकाल के तुम हम लोग मान लेते ये बांध रहा है, अब इसे ले जाएगा और फिर दो आदमी लगते हैं, एक आदमी कुट्टिकल में, कुट्टिकल होता है जो इसे काटता है, तो एक कुट्टिकल को चलाते जाते हैं पकड़कर, और फिर उसमें एक पीछे से उसमें लगाते हैं, मतलब लकड़ी का बना हुआ रहता है उसमें डालते हैं, और ये कट जाता है छोटा छोटा टुकड़े में, और उसके बाद इसे गाय आराम से खा लेती है।